आज हम बात करेंगे 15 और 16 फरवरी के मौसम के बारे में। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बदलते मौसम के बीच में कभी बारिश तो कभी धूप के बीच में सर्दी का सितम भी जारी है। मौसम विभाग की तरफ से जारी पूर्वानुमान की माने तो मौसम अभी शुष्क बना रहेगा। हालांकि पिछले कुछ दिनों से रात के तापमान में यानी कि न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी गई है, जिससे लोगों को सुबह और रात में हल्की ठंड का एहसास हो सकता है। मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर जारी अपडेट की माने तो मौसम शुष्क बने रहने की बात कही गई है। विभाग की तरफ से मिली जानकारी और संख्यात्मक मॉडल के अनुसार बनाए गए आंकड़ों के अनुसार जो मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में मंद पछुआ हवाओं का प्रभाव जारी रहेगा। इन हवाओं के प्रभाव से समुद्र तल के सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ है। विभाग ने यह भी कहा है कि इन हवाओं के प्रभाव के कारण अगले दो दिनों तक मौसम शुष्क व आसमान साफ रहेगा, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि आने वाले दिनों में आसमान में बादल छाए रहेंगे और प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। तो आइए अब जान लेते हैं 15 और 16 फरवरी के तापमान का पूर्वानुमान। उत्तर पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज में 15 फरवरी का अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री रहने की बात कही गई है, तो वहीं न्यूनतम तापमान जो है 10 से 12 डिग्री रहने की बात कही गई है। वहीं भी अगर हम 16 फरवरी के अधिकतम तापमान की बात कर लें तो 24 से 26 डिग्री रहने की बात कही गई है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है 10 से 12 डिग्री रहने की बात कही गई है। वहीं अगर हम उत्तर मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों की बात कर लें तो इसमें सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर में 15 फरवरी का अधिकतम तापमान जो है 22 से 24 डिग्री रहने की बात कही गई, जबकि न्यूनतम तापमान जो है 10 से 12 डिग्री रहने की बात कही गई है। 16 फरवरी के अगर हम इन्हीं जिलों के अधिकतम तापमान की बात कर लें तो 24 से 26 डिग्री रहने की बात कही गई है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है 10 से 12 डिग्री रहने की बात कही गई है। उत्तर पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार में 15 फरवरी का अधिकतम तापमान जो होगा वह 24 से 26 डिग्री का होगा, जबकि इन्हीं जिलों में न्यूनतम तापमान जो है 10 से 12 डिग्री रहने की बात कही गई है। अगर हम इन्हीं जिलों के 16 फरवरी के अधिकतम तापमान को देख लें तो वह 24 से 26 डिग्री रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों में न्यूनतम तापमान जो है 10 से 12 डिग्री रहने की बात कही गई है। दक्षिण पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में बक्सर, भभुआ, रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद, अरवल का जो 15 फरवरी का अधिकतम तापमान होगा वह 22 से 24 डिग्री रहने की बात कही गई, जबकि इन्हीं जिलों में न्यूनतम तापमान जो है 8 से 10 डिग्री रहने की बात कही गई है। और ये वो जिले हैं जहां अब तक जो है न्यूनतम तापमान में बहुत ही कम बढ़ोतरी देखी गई है। तो इसी हिसाब से कहें तो ये जिलों में जो है ठंड की मात्रा यानी कि ठंड की जो रफ्तार है अभी भी बनी हुई है। अगर हम इन्हीं जिलों के 16 फरवरी के अधिकतम तापमान को देख लें तो 24 से 26 डिग्री तापमान रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों में न्यूनतम तापमान जो है अभी भी 8 से 10 डिग्री बना हुआ है। दक्षिण मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों में पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद का 15 फरवरी का अगर हम अधिकतम तापमान देख लें तो वह 22 से 24 डिग्री रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों में न्यूनतम तापमान देख लें तो 8 से 10 डिग्री रहने की बात कही गई है। अगर हम इन्हीं जिलों के 16 फरवरी के अधिकतम तापमान को देख लें तो 22 से 24 डिग्री तक जो है रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों में न्यूनतम तापमान जो है 10 से 12 डिग्री रहने की बात कही गई है। दक्षिण पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों को अगर हम देखें तो इसमें भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया का 15 फरवरी का अधिकतम तापमान जो होगा वह 24 से 26 डिग्री रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 10 से 12 डिग्री रहने की बात कही गई है। अगर हम इन्हीं जिलों के 16 फरवरी के अधिकतम तापमान को देख लें तो 24 से 26 डिग्री रहने की बात कही गई है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है 10 से 12 डिग्री रहने की बात कही गई है। तो ये थे बिहार के मौसम से जुड़ी हुई जानकारी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।